आयरन मैन रणवीर सिंह और सनी देओल बने हल्क, बॉलीवुड में ये बनेंगे एवेंजर्स। मार्वल की फिल्म कैप्टन मार्वल की रिलीज के साथ ही सुपरहीरो सीजन वापस लौट आया है। इस फिल्म से मार्वल फिल्मों की महत्वाकांक्षी और मच अवेटेड फिल्म इन्फिनिटी वॉर कोलन एंड गेम का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अवेंजर्स फिल्मों का क्रेज भारत में भी उतना ही है जितना अमेरिका में, और ऐसे में लंबे समय से भारतीय कलाकार भी अवेंजर्स फिल्मों का हिस्सा बनने की बात करते आए हैं। ऐसे में अगर बॉलीवुड के कलाकारों को सच में हॉलीवुड की इस मेगा फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला तो कौन सा हीरो किस सुपर हीरो का रोल निभाएगा, इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं। ब्लैक विडो का किरदार फिलहाल तो स्कारलेट जोहानसन निभाती हैं, लेकिन अगर किसी भारतीय महिला को ये किरदार दिया गया तो इसके लिए दीपिका पादुकोण ही सबसे सही चुनाव हो सकती हैं। ब्लैक विडो के किरदार को एक्शन के साथ साथ जबरदस्त एक सेपरेशन भी देने पड़ते हैं, और पद्मावत और बाजीराव मस्तानी में दीपिका ये साबित कर चुकी हैं कि उनसे बेहतर अभी कोई और नहीं है। थॉर का किरदार इस समय ऑस्ट्रेलिया के डैशिंग एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ निभाते हैं। थॉर के किरदार के लिए एक लंबे चौड़े एक्टर की जरूरत भी है जो किसी देवता जैसा लगे। बॉलीवुड में एक ऋतिक रोशन ही हैं जिन्हें ग्रीक गॉड कहा जा चुका है, और वो बॉडी बिल्डिंग में किसी से कम नहीं। ऐसे में कृष्ण जैसे हीरो का किरदार निभा चुके ऋतिक के लिए थॉर का किरदार निभाना मुश्किल नहीं होगा। स्कारलेट विच एक नया और युवा किरदार है। इस किरदार के लिए आलिया भट्ट एक परफेक्ट फिट हैं, क्योंकि स्कारलेट विच के किरदार को कई इमोशनल लेकिन कठोर सीन करने पड़ते हैं, और आलिया इसे बेहतरीन तरीके से निभा सकती हैं। इस किरदार का असल नाम वांडा मैक्सिमॉफ है, और इस वक्त एलिजाबेथ ओल्सन इस निभा रही हैं। कैप्टन अमेरिका के साथी के रूप में मशहूर बकी बार्न्स को लोग विंटर सोल्जर के नाम से जानते हैं। कैप्टन अमेरिका का ये साथी एक जबरदस्त फाइटर है और लोहे से भी ज्यादा मजबूत हाथ का मालिक है। बकी के हिस्से कई मुश्किल सीन आते हैं, और इस किरदार के लिए एक ताकतवर अभिनेता की जरूरत है जो बॉलीवुड में पहले सुनील शेट्टी और अब जॉन निभा सकते हैं। गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की हीरोइन गमोरा का किरदार बेहद संजीदा है, और इस किरदार को लोकप्रिय अदाकारा जो सल्दाना निभाती हैं। बॉलीवुड से इस किरदार को अनुष्का के अलावा कोई निभा भी नहीं सकता, और ये आप इस तस्वीर को देखकर समझ ही जाएंगे। स्टार लॉर्ड अवेंजर्स के यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण किरदार है। स्टार लॉर्ड के किरदार को इस समय क्रिस प्रैट निभा रहे हैं, लेकिन कॉमिक टाइमिंग वाले इस किरदार के लिए भारत में सिर्फ आयुष्मान खुराना ही फिट बैठते हैं। वो एक एलियन के प्यार में है, खुद से परेशान है और एक चोर है। ऐसे कंफ्यूज किरदार को सिर्फ आयुष्मान निभा सकते हैं। समय को अपने हाथ में रखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार के लिए एक गंभीर और शांत अभिनेता की जरूरत है। बॉलीवुड में ऐसा किरदार निभा सकने वाले अभिनेता शाहिद कपूर हैं। शाहिद इस रोल के लिए इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि इस रोल को एक छहरा अभिनेता निभा सकता है, और शाहिद में वो बॉडी लैंग्वेज मौजूद है। आयरन मैन के किरदार के लिए आपको एक बार भी सोचना नहीं पड़ेगा। एक बिगड़ैल मनमौजी अमीर बिजनेसमैन टोनी स्टार्क के किरदार को रणवीर सिंह के अलावा कोई निभा ही नहीं सकता। वो विलेन से अपनी बात मनवाता है और किसी की बात ज्यादा सुनता नहीं। रणवीर भी अपने आउटलुक में कुछ ऐसे ही हैं, और यही उन्हें आयरन मैन के किरदार के लिए फिट बनाता है। साथ ही रॉबर्ट डाउनी जूनियर से वो थोड़ा मिलते भी हैं, और इसलिए रणवीर इस ओवर आयरन मैन। हल्के किरदार को चीखने वाला किरदार चाहिए, और चीखने में तो बॉलीवुड का एक ही उस्ताद है, सनी देओल। उनकी चीख ने बॉर्डर फिल्म में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे, और जो काम करने के लिए बॉलीवुड हीरोज को डायलॉग बोलने पड़ते हैं, सनी सिर्फ अपनी एक हूंकार में करवा लेते हैं। हल्का सामान्य रूप ब्रूस बैनर उम्र में थोड़ा बड़ा भी है, तो इसलिए मार्क रफालो को रिप्लेस कर हल्का किरदार सनी देओल निभा सकते हैं। अवेंजर्स के लीडर हैं कैप्टन अमेरिका, और कैप्टन के किरदार के लिए रणबीर कपूर ही सुपर फिट हैं। वो अच्छी बातें करता है, अधिकांश समय उसका दिल टूट जाता है और वो भावुक दृश्यों में रोता है। रणबीर हिंदी फिल्मों में ये सारे काम करते हैं, और इसलिए लगता है कि वो कैप्टन अमेरिका भी आराम से निभा सकते हैं। थानोस के किरदार ने ही सारी अवेंजर्स फिल्मों को शुरू किया है। इन्फिनिटी वॉर्स में थानोस ने ही अकेले सारे सुपरहीरोज को परास्त कर दिया। थानोस के किरदार के लिए एक दमखम वाले विलेन की जरूरत है जो डायलॉग से ज्यादा अपने लुक से लोगों को डरा दे, और बॉलीवुड में ये काम संजय दत्त से बेहतर कौन कर सकता है। ब्लैक पैंथर मार्वल का वो सुपरहीरो है जिसे ऑस्कर के लिए भी चुना गया। इस किरदार को अभी चैडविक बोसमैन निभाते हैं, और इसके लिए एक बेहतरीन एक्टर की जरूरत है। हिंदी सिनेमा के वर्तमान कलाकारों में वैसे तो विक्की कौशल इसे निभाने का दमखम रखते हैं, लेकिन अगर हिंदी फिल्मों से बाहर जाना हो तो इस काम के लिए बाहुबली प्रभास से बेहतर कोई नहीं।
स्पाइडरमैन के किरदार के लिए एक फ्लेक्सिबल किरदार की जरूरत है और टाइगर श्रॉफ से ज्यादा फ्लेक्सिबल इस वक्त बॉलीवुड में कुछ नहीं। वो स्पाइडरमैन की ड्रेस पहनकर इंस्टाग्राम पर दिख भी चुके हैं और सुपरहीरो का किरदार फ्लाइंग जेट भी प्ले कर चुके हैं। ऐसे में वो स्पाइडरमैन के लिए सबसे सही किरदार रहेंगे और बाकी लोग फ्लॉप हो भी जाएं, टाइगर आपको निराश नहीं करेंगे।